जय हिंद साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो हमारा था वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ लिया स्वर, स्वर को अच्छे से पढ़ लिया। फिर हम अब पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन दोस्तों हमारा आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और इसी के साथ ख़त्म होने के बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है क्लास 8। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम अल्प प्राण और दूसरे को बोलते हैं हम महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनको कि जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकले उनको तो हम बोलते हैं अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु निकले उनको हम बोलते हैं महाप्राण। तो दोस्तों इनको याद कैसे करेंगे हम, तो इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अल्प का मतलब ही कम होता है, ठीक है? तो अल्प से हम याद रखेंगे कम वायु। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अल्प का मतलब कम वायु, ठीक? और महा का मतलब क्या होता है, अधिक। तो आप लोगों को अधिक वायु, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प से आप कम वायु याद रख लीजिए और महा से आप अधिक वायु याद रख लीजिए, ठीक है? जब हम किन्हीं वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुँह से जब कम वायु निकलती है तो उसको अल्प प्राण, और अधिक वायु निकलती है तो उसको बोलते हैं महाप्राण। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे अल्प प्राण को। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और जो हमारे स्वर होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण होते हैं, और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, व और र और ल, ये भी हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जब आप इनको बोलेंगे, जैसे आप बोलिए य, व, र, ल, तो इनको जब आप बोलेंगे तो आप ऐसा प्रतीत करेंगे कि हमारे मुंह से हवा बहुत ही कम निकल रही है, तो इसीलिए इन्हें अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताए थे पहला, तीसरा और पांचवा, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग के पहले, ठीक है, तीसरे और पांचवें, जब आप इनको बोलोगे, और स्वर को और अंतस्थ व्यंजन को जब आप इनको बोलोगे तो बहुत ही कम हवा आपको देखने को मिलेगी जब आप इनको बोलेंगे। जैसे आप बोलिए क, ग, अंग, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत ही कम हवा निकल रही है हमारे मुंह से। आशा करता हूँ दोस्तों अल्प प्राण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों देख लेते हैं महाप्राण कौन से होते हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुंह से अधिक वायु निकलती है उनको हम बोलते हैं महाप्राण। तो ये जो हमारे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा होता है, और इसी के साथ जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं स, श, स और ह, इनको बोलने में हमारे मुंह से अधिक वायु निकलती है तो इनको हम महाप्राण बोलते हैं। जब आप इनको बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे इनका, तो आपको अंतर स्पष्ट समझ में आएगा। इनको रटना नहीं है आप लोगों को, इनको बोल बोल के ही आप लोगों को समझना है। पूरी वर्णमाला को आप लोगों को मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, ठीक है? तो आप भी इनको ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है, उसी तरीके से आप इनको रिवाइज कीजिए और बार बार लिखिए और बार बार इनका उच्चारण करिए, तो आप लोगों को एक ही बार में वर्णमाला ऐसी समझ में आ जाएगी कि आपको दोबारा वर्णमाला पढ़ने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार हम चार्ट के माध्यम से महाप्राण को देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का जो चौथा है वो हमारा क्या है दोस्तों, महाप्राण होता है, ठीक है? जब हम इनको बोलेंगे तो हमारे मुंह से वायु अधिक निकलेगी। जैसे आप बोल के देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ण, तो जब आप इनको बोलेंगे तो आपको ऐसा खुद को प्रतीत होगा, मैं बोल रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप खुद बोल के देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे मुंह से हवा ज़्यादा निकल रही है। और इसी के साथ जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो गया, जब आप ऊष्मीय व्यंजनों को भी इनके साथ बोलेंगे तो
तो आपको ऐसा लगेगा कि हवा ज़्यादा निकल रही है। तो आप समझ गए होंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस ऊष्मीय व्यंजन स श ह, इनको बोलने में हमारे मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, इसीलिए इनको हम महाप्राण बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये चार्ट जो मैंने लिख रखा है ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्मीय व्यंजन, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इनको चारों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी जो व्यंजन है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपको इनको बार बार लिख लिख के याद करना है। ठीक, अब दोस्तों हम देख लेते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये भी दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अघोष और दूसरा होता है हमारा सघोष या घोष, इसको हम सघोष घोष भी बोलते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता, मतलब जो भी वर्ण होते हैं उनको बोलने में कंपन नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं अघोष, और जिन वर्णों को बोलने में हमें कंपन होता है उसको बोलते हैं हम सघोष। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और स श और श, इनको जब हम बोलेंगे तो हमें कंपन नहीं होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे अघोष। एक बार इसे हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले और जो दूसरे वर्ण हैं ये आपके कौन से होते हैं अघोष वर्ण होते हैं, और इसी के साथ जो स श और स जो हमारे ये तीन हैं ये भी हमारे क्या होते हैं अघोष होते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे, इनको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इनको उच्चारण करके देखिए। जैसे आप उच्चारण करिए क ख च छ, जब आप इनको बोल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी कंपन नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए इनको अघोष बोलते हैं। और जब आप इनको बोलेंगे जो हमारे होते हैं सघोष, कि जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है उनको हम सघोष बोलते हैं। अब आप बोल के देखेंगे तो आपको कंपन भी पता लगेगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा प्लस जो हमारे स्वर होते हैं और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य व र ल और हमारा ह, ये हमारे क्या होते हैं सघोष या घोष। अब इसको चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिए। ये जो हमारे हैं प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और जो पांचवा है इनको जब आप बोलेंगे, और ये स्वर हैं इनको और अंतस्थ व्यंजन को और ह को जब आप बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपन हो रहा है। जैसे आप बोल के देखिए ग घ अंग ज झ इं, जब आप इनको बोल रहे हैं मैं भी खुद उच्चारण कर रहा हूँ तो मुझको कंपन महसूस हो रहा है, जब आप लोग करेंगे तो आपको भी कंपन महसूस होगा। तो ये हमारे होते हैं अघोष और सघोष, और बार बार इनका उच्चारण करके देखिए, और बार बार जब भी इनको याद करें तो इनको लिख कर याद करें, अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से रिवाइज करें, आप इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं आगे। ये जो दोस्तों र के रूप हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यूपी पुलिस में इनसे बार बार प्रश्न पूछा गया है। मैं आप लोगों को जो अगली क्लास आएगी उसमें यूपी पुलिस में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वर्णमाला से उन सबको आपको अच्छे से कराऊंगा, तो उनमें ये प्रश्नों को आपको स्पेशली दिखाऊंगा कि र के ऊपर प्रश्न कैसे बनता है। तो आप देख लीजिए ये जो कृपा लिखा हुआ है वो पूछ लेगा आपसे कि कृपा में जो ये र है ये क्या है, कौन सा है, स्वर है या व्यंजन है। तो ये होता है दोस्तों स्वर वाला, जो हमारा रिरी होता है ना, ये हमारा क्या होता है स्वर वाला होता है। और ये जहां भी आपको ऐसे ये नीचे की तरह लटका हुआ दिखाई दे तो ये कौन सा वाला होगा, रिरी वाला होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप जो ये रिरी में ऐसे देख रहे हैं ना पीछे की साइड में, ये यहाँ पे ऐसे लटक रहा है,
ऐसे ही ये रिरी में भी लटक रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप याद कर लीजिए। अब जो ये मात्रा है, मात्रा में जो ये रा है ये कौन सा वाला होता है? पूरा रा होता है, ये होता है हमारा व्यंजन वाला। और ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मात्रा में ये आपका कौन सा वाला रा है। तो हम देख लेते हैं कर्म, ये जो कर्म है, ये जो ऊपर को उड़ रहा है ये कौन सा वाला रा है? तो ये दोस्तों व्यंजन का आधा वाला रा है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रक है इसमें हमारा ये ट के नीचे जो ये र है ये कौन सा वाला होता है? तो ये होता है साथियों हमारा पूरा र, व्यंजन वाला, ठीक है। आशा करता हूँ कि र के रूप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने आप लोगों को ये सारे करा दिए, ठीक है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान, कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान मैंने आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, पर बाकी के जो रह गए हैं उनको भी आप इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिए। तो जो हमारा दोस्तों कंठ होता है, जो हमारा क वर्ग होता है, क वर्ग हमारा कौन सा होता है? कंठ है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे ये हैं छोटा आ, बड़ा आ, ह और ये विसर्ग, ये भी हमारे साथियों किस में आते हैं? कंठ में आते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। जैसे आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, छोटा आ, बड़ा आ, ह, विसर्ग, अ, जब आप इनको बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे कंठ से हवा निकल रही है, ठीक है। आप लोग इनको बोल के देखिए, आप लोगों को स्पष्ट ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप लोगों को ये याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो च वर्ग है ये हमारा आता है तालव्य में, तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये है च छ ज झ और इय, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ये तालव्य में आते हैं। पर इसी के साथ जो हमारी छोटी ई है, बड़ी ई है, य है, स है, ये भी हमारे तालव्य में ही आते हैं। तालव्य कैसे हम पहचानेंगे कि ये तालव्य है? जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो अगला भाग है उसके जो जस्ट ऊपर का भाग है उससे हमारी जीभ टकराती है। जैसे आप बोल के देखिए, च छ झ झ इय, तो हमारी जीभ टकरा रही है ना ऊपर की ओर। जैसे ही आप बोलेंगे ई ई य स, तो आपकी जो जीभ का अग्र भाग है वो ऊपर की ओर टकराएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य हमारे कौन से होते हैं? ट वर्ग। जैसे कि हमारा इसमें ट वर्ग में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? ट ठ ळ ण और अण। इसी में दोस्तों हमारे कौन से हैं? रेरी, र और श, षटकोण वाला, ठीक है। तो जब आप इनको बोलेंगे तो ये आते हैं दोस्तों मूर्धन्य में। मूर्धन्य कैसे होते हैं, मूर्धन्य हम कैसे पहचानेंगे? तो मूर्धन्य को पहचानने का तरीका ये है, जब हम ट बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर को फोल्ड होगी और टकराएगी। आप इनको बोल के देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा दंत्य, दंत्य कौन से होते हैं हमारे? जो हमारा त वर्ग होता है वो, और जो हमारा ल और स, ये भी हमारे दंती होते हैं। जैसे आप इनको बोल के देखिए, त थ द ध न ल स, जब आप इनको बोल रहे हैं तो आपकी जो जीभ है, जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो आपके दांतों से टकरा रहा है, ठीक है। तो इनको दोस्तों हम बोलते हैं इसीलिए दंत्य, क्योंकि ये दांतों से टकरा रहा है तो इसको हम दंत बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा ओष्ठ है इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो हमारा प वर्ग है उसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। जैसे प फ ब भ और म, इसी के साथ जो हमारे उ और ऊ, ये हमारे जो हैं वो भी हमारे ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। जब हमारे होठ आपस में टकराते हैं तो उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अब बोल के देखिएगा, प फ ब भ म उ, ठीक है। तो आप लोगों को अंतर अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करें और हमें टेलीग्राम पर भी कमेंट करें। ओके, अब साथियों हम देख लेते हैं कि जो हमारे कंठ तालव्य पे होते हैं, कंठ तालव्य हमारे कौन कौन से होते हैं, जो हमारा ए है और जो हमारी बड़ी ए है, ये हमारे कौन से होते हैं, कंठ तालव्य। अब इनको कंठ तालव्य क्यों बोलते हैं, तो इनको साथियों कंठ तालव्य इसलिए बोलते हैं कि जब हम छोटी ए को तोड़ेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, छोटा आ और छोटी ई। तो ई हमारी तालव्य से बोली जाती है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, और जो अ है वो हमारा कंठ से बोला जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा बड़ी ए है उसको भी जब आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें भी आपको कंठ तालव्य नजर आएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं हमारा दंतोष्ट कौन सा होता है, तो जो हमारा व होता है वो होता है साथियों हमारा दंतोष्ट। जैसे हम व को बोलेंगे तो हमारे इसमें होठ भी कार्य करते हैं और जो हमारी जीभ दांतों से भी टकराती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दंत ओष्ट। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं कंठोष्ट, हमारे कंठोष्ट कौन से होते हैं, तो हमारा होता है छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे होते हैं कंठोष्ट। अब इसको कंठोष्ट कैसे बोलेंगे, तो इसको कंठोष्ट बोलेंगे ऐसे, छोटे ओ को तोड़ेंगे तो हमारा इसमें आएगा छोटा आ और छोटा ऊ। ठीक है, अब हम आ को बोलते हैं कंठ से और ऊ को बोलते हैं हम ओष्ट से, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा, हमारा कंठोष्ट तो ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, इसमें बहुत मेहनत लगती है साथियों, तो इसलिए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में साथियों हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यूपी पुलिस में आए हैं या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनको भी हम अच्छे से कर लेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।